एक आर्टिकल का, जिस आर्टिकल को लिखने में हार्डली आधा घंटा एक घंटा लगता होगा, एक घंटे में 30,000 रुपए आप कमा लेते हो स्पॉन्सर का। और मेरा मेन इनकम सोर्स वेबसाइट है और काफी अच्छा खासा इनकम भी हो जाता है, मान के चल सकते हैं 1,00,000+ इनकम है। इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ सामने आपको मैकबुक दिख रहा है, उसी पैसे की कमाई से है। यहाँ पे आईफोन आपको दिख रहा है, ये सब हम दिखाना नहीं चाहते पर्सनली, लेकिन बहुत सारे लोग होता है कि आके ये फेंक रहा है। शायद 2,00,000 से ज्यादा, 2-2.5 लाख के लगभग सब्सक्राइबर है। तो आपको ऐसा क्यों लगा, जब आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो वेबसाइट से, तो एप्लीकेशन क्यों आपको लगा बनवाना? एक छोटे से गांव में जो मार्केट होता है ना, वहाँ पे आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, कोई एक ऐसा दुकान ज़रूर रहता है जहाँ पे हम लोग टेक्निकली चीज़ें करने के लिए जाते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स अपडेट करना, या फिर इंटरनेट से जुड़ी जो काम रहती हैं, फॉर्म्स भरना, ये सारी चीज़ें करने हम वहाँ उस शॉप पे ज़रूर जाते हैं। और शॉप पे अच्छी खासी भीड़ भी लगी रहती है, फिर वो चाहे मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए हो, कैसे भी भीड़ हो। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा विलेजेस में मार्केट में ऐसे एक दो दुकान ज़रूर रहते हैं। आज जो इस वीडियो में आपके सामने जो शख्स आएंगे, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत मोटिवेट भी हो जाओगे। एक्चुअली ये वीडियो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए ही बनाया है। आज कैसे ये, वो बस मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते थे, उनका खुद का बिजनेस था, शॉप था, ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया से वो कैसे आगे बढ़े हैं, और आज कैसे बिहार में बहुत अच्छी उनकी वेबसाइट पॉपुलर है इस टाइम, और कैसे वो लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी अर्निंग क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम अजीत जी, सबसे पहले तो आप मेरे सब्सक्राइबर को अपने बारे में अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, हालांकि आप इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, फिर भी आप दे सकते हैं। ओके, मेरा नाम अजीत है और हम बिहार से हैं, और एक्चुअली हम ऑनलाइन फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और मेरा मेन इनकम सोर्स वेबसाइट है और काफ़ी अच्छा खासा इनकम भी हो जाता है, मान के चल सकते हैं 1,00,000+ इनकम है। और मेरा कुछ अलग तरीका है जिस स्ट्रेटजी से हम काम कर रहे हैं, कुछ नया है, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक के कि कैसे हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद उसके जैसे मेरा वेबसाइट आ गया है, उसके बाद जो है इनसे सुनील जी से हमने सर्विस लिया है, इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके का सर्विस उन्होंने हमें दिया है और क्या क्या कमियां हैं इनके अंदर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और क्या क्या अच्छाइयाँ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए आगे तक। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले तो अर्निंग आपने बताया 1,00,000+ है, तो ये जो अर्निंग आपने बताई 1,00,000+, अगर आप वो एक वे है आपका अर्निंग करने का, आपके और भी बिजनेसेस वगैरह हैं? एक्चुअली ज़्यादातर इनकम सोर्स तो वेबसाइट ही है। अच्छा। और उसके बाद जैसे आपका कोई भी बिजनेस ग्रोथ होता है तो एक ब्रांड क्रिएट हो जाता है, ब्रांड क्रिएट होने के बाद आप मल्टीपल पैसा कमा सकते हैं, मल्टीपल आपके पास इनकम सोर्स हो जाएगा, जैसे आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, जैसे मेरा वेबसाइट है तो हम बहुत सारे स्पॉन्सर कंपनी आते रहते हैं, एफिलिएट कुछ कर लेते हैं, गेस्ट पोस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो जैसे आपका ग्रोथ होता है कंपनी, तो आप मल्टीपल इनकम, उसके बाद आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। मान लीजिए आपके वेबसाइट पे अगर 1,000,000 डेली के विजिटर है, वैसे आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर हैं? मान के चल सकते हैं डेली का 1,00,000-2,00,000+ विजिटर, 1,00,000-2,00,000+ विजिटर हैं। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप लोगे तो कितना चार्ज करोगे? मिनिमम चार्ज 20,000 से 30,000 रुपए एक आर्टिकल का मान सकते हैं, गेस्ट पोस्ट का, चाहे स्पॉन्सर। एक आर्टिकल का, जिस आर्टिकल को लिखने में हार्डली आधा घंटा एक घंटा लगता होगा, एक घंटे में 30,000 रुपए आप कमा लेते हो स्पॉन्सर का। देखा जाता है वहाँ पे कि आपके वेबसाइट किस लेवल में रैंक कर रहा है, क्या उसका ग्रोथ रेट है, उस हिसाब से कंपनी आपको ऑफर करती है। तो आधे घंटे का आर्टिकल आपको 30,000 का प्रॉफिट दे देता है, अगर स्पॉन्सर्ड है वो। ठीक है, ज्यादातर हम स्पॉन्सर करते, तो फिर ये 1,00,000 अर्निंग तो कम बता रहे हो आप, चलो ठीक है। अगर मेरे यूजर्स, देखो क्या होता है, ऑब्वियसली सबको बलेगा कि ये वीडियो कहीं उस लेवल में ना जाए, तो वो सब आपकी वेबसाइट के बारे में जानना चाहेंगे, तो क्या आप बताना चाहोगे अपने वेबसाइट को? देखिए एक्चुअली आप जो है ऐसे रिवील तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है कि आप अपना वेबसाइट किसी को रिवील करें। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारा इशू आ जाता है रिवील करने के बाद, तो इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ सामने आपको मैकबुक दिख रहा है, उसी पैसे की कमाई से है, यहाँ पे आईफोन आपको दिख रहा है, ये सब हम दिखाना नहीं चाहते पर्सनली, लेकिन बहुत सारे लोग होता है कि आके ये फेंक रहा है। तो भैया फेंक नहीं रहा, यहाँ पे प्रूफ है हमारे पास, यहाँ पे आईफोन 13 रखा हुआ है, मतलब हर चीज़ है अपने पास, तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने खरीद लिया है मतलब इधर उधर का पैसा से विरासत में मिला हुआ, इनकम किए हैं तभी ये खरीदे। बैकग्राउंड क्या आपका, फैमिली बैकग्राउंड? नॉर्मल है, जो सब नॉर्मल ज़्यादातर इंसान का होता है वही है, जहाँ पे जो है सिर्फ सुबह शाम दाल रोटी चल सकता। अब रिवील नहीं करना चाहता। चलो मैं छोटा सा एक चीज़ रिवील कर देता हूँ, इनका एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैं वेबसाइट का नाम रिवील नहीं करूँगा, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और उस पर मुझे लग रहा है शायद 2,00,000 से ज़्यादा, 2-2.5 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हैं। आप इनके फेस को देख लीजिए, मैं लिंक भी दे दूंगा चैनल का।
तो अगर बिहार से है तो एजुकेशन पर्पज में अगर आप हैं तो इनको जानते होंगे, इसमें नो डाउट जरूरी आपको मिल जाएंगे। अगर क्रोम, अगर बिहार से अगर आप क्रोम चलाते होंगे तो डिस्कवरी के ज्यादा इन्हीं के आते हैं आर्टिकल्स, ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। और विशेष इंट्रोडक्शन तो हम पहले बता ही दिए। राइट राइट, चलिए अब आते हैं सर्विसेज एंड एप्लीकेशन पे। तो आपको ऐसा क्यों लगा जब आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो वेबसाइट से, तो एप्लीकेशन क्यों आपको लगा बनवाना चाहिए? जब ऑनलाइन फील्ड में हम आ चुके हैं तो मल्टीपल सोर्स होना चाहिए इनकम का। तो मल्टीपल सोर्स करने के लिए मुझे लगा कि और सारा यहाँ पे हम सोर्स अर्निंग का बनाए, तो मल्टीपल चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो मेरे पास वेबसाइट है ही और मेरे सारे सोशल मीडिया पे हम एक्टिव है, जैसे टेलीग्राम पे भी 1 लाख यूजर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह पे एक्टिव है। तो मुझे लगा कि एप्लीकेशन में जाना चाहिए, तो एप्लीकेशन इसलिए हम सोचे कि बनवाएंगे तो मेरा इनकम सोर्स बदल जाएगा और बढ़ जाएगा। तो एप्लीकेशन के बारे में आपने बता दिया कि आप मल्टीपल बिजनेस वगैरह में अपना हाथ डालना चाहते हैं, इसलिए आप एप्लीकेशन। राइट, तो मेरा ही कांटेक्ट आपको क्यों मिला और आपको ऐसा क्यों लगा मेरी सर्विस लेनी चाहिए? हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे मेरे, आपने पहले बताया था। वो क्या था पहले, मतलब? तो उसको भी हम क्लियर करेंगे, वो एक्चुअली नेगेटिव है या पॉजिटिव वो बाद में पता चलेगा, पहले तो पता चलेगा नहीं। राइट राइट, तो एक्चुअली हमें इसलिए लगा आपके पास आना चाहिए क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल पे एक जो बिगिनर लोग होते हैं, तो उनका बिगनर होने के बाद जैसे नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको पास बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो कन्फ्यूजन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होता है उसमें से हर एक क्वेरी का जो है आपके चैनल पे वीडियो है। राइट, सबसे बड़ी पॉइंट कि जैसे आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि हम 1000 डाउनलोड कराएंगे तो क्या कितना पैसा कमाएंगे, उसका भी वीडियो बना हुआ है। फिर आपके मन में ख्याल होगा कि एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या हैंडल करना पड़ता है, उसके ऊपर भी वीडियो आएंगे, मतलब हर एक आपको जानकारी मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि हर एक चीज जब यहाँ सॉल्व हो गया तो अब इसलिए इनसे ही कांटेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब मेरी पहली बार आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि मेरे से कांटेक्ट करने में आपको काफी परेशानी हुई, काफी ज्यादा परेशानी। और अच्छा, मैं ना ये सारी चीजें खुद से कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ऐसे मेरे कस्टमर्स, मेरे क्लाइंट्स हैं, आप लोग हैं, आप लोग जब मुझे फोन करते हो तो ये चीजें ना कहीं मुझे दिखती हैं कि आप लोग को मेरे से कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। प्लस वो कांटेक्ट करते समय या कांटेक्ट करने के बाद आपको मेरे कुछ नेगेटिव वीडियोस भी दिख जाते हैं या कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, ये शायद आपको भी दिखा। हाँ, मुझे भी दिखा था। अच्छा, मैं ना आज तक कभी मेरे वीडियोस में मैंने कभी ओपनली नहीं बताया कभी। मैं इसके पहले 1.5 साल पहले कॉन्ट्रोवर्सी में रहा था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी पहले, पर मैंने कभी मेरे वीडियो में ये नहीं बताया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। मैं आपको बताता हूँ आज और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को भी पता चल जाए इसके बारे में कि एक्चुअल में जो नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं, नेगेटिव वीडियो हैं मेरे ऊपर, नेगेटिव चीज़ें हैं, और जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हर बड़े इंसान के ऊपर, हर छोटे इंसान के ऊपर रहता है, जो यूट्यूबर रहता है उसके हेटर्स भी रहते हैं, पॉजिटिविटी जहाँ वहाँ नेगेटिव, हाँ हेटर्स भी रहते हैं। तो मैं आज हेटर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी ने मुझे पीछे से खींचा है, मेरे हेटर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट करते हैं। अब गलती क्या है ये आपको बताता हूँ। आज से एक्चुअली 2-3 साल पहले मैंने पहले हम लोग ऑफलाइन ज़्यादा करते थे, उसके बाद ना मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, ऑनलाइन मतलब यूट्यूब वगैरह पे मैं आया आज से 3 साल पहले। तो उसके बाद क्या हुआ ना, जब मैं ऑफलाइन करता था तो मैं इंडिविजुअल बंदा था, एज ए फ्रीलांसर काम करता था, और जब मैं ऑनलाइन आया ना, तो ऑनलाइन जब आप यूट्यूब पे आते हो आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, और जब आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म होता है तो बड़े ज़्यादा क्लाइंट्स भी आते हैं, और उतने क्लाइंट्स आप हैंडल कर पाओ ये पॉसिबल नहीं होता है, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया, मेरे फ्रेंड लोग की टीम बनाई, ठीक है। उस टाइम जब मैंने टीम बनाई तो ये हुआ कि हमने डील्स ज़्यादा लिए, उस टाइम प्रमोशन भी हुआ था मेरा, आप सबको पता है मनोज डे के चैनल पे, और उस टाइम बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ले लिए थे, और ज़्यादा क्लाइंट्स लेने के बाद हमने बहुत चीप रेट में सेल किया था एप्लीकेशन को, सस्ते में। एक तो दो नेगेटिव जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, मैं आपको सच्ची बताऊँ, आज तक कभी नहीं बताया मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो मेरे नेगेटिव वीडियो आपने देखे होंगे उस बंदे ने, जिस बंदे ने बनाया है, उसने मुझे सिर्फ 3000 पे किया था, ठीक है। आपको भी पता है एप्लीकेशन कितने बनता है, आप भी सर्विस लेके पता कर चुके हो, उसने जस्ट 3000 पे करके इतना मतलब जो भी क्रिएट किया था, खैर एक्सपेरिमेंट, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम हमने ज़्यादा बल्क में ऑर्डर लिए, टीम छोटी थी, जस्ट फ्रेंड की टीम, फ्रेंड्स ग्रुप थे, इसलिए हम वो सर्विसेज नहीं दे पाए थे उस टाइम। उसके बाद में क्या हुआ, अचानक से सबको ऐसा लगा कि नहीं इस फील्ड में ज़्यादा पैसा, तो मेरे फ्रेंड लोगों ने मतलब एक साथ साथ छोड़ा, उसके बाद वो लोग अपना अपना स्टार्ट कर दिए थे, अपना अपना स्टार्ट किए, उसके बाद में वो लोग अपने जब बिजनेस खुद से स्टार्ट किए तो मेरे पास अकेले पर बहुत ज़्यादा भार आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो इतने सारे कस्टमर, उनका सब एप्लीकेशन बना के देना, तो वो वाले जो सर्विसेज वहाँ पे मतलब मेरे, मुझे भी पता है कि उस टाइम मेरी गलती थी, हमको उतना लेना नहीं चाहिए था, उसके बाद में फिर हमने सर्विसेज अच्छी वगैरह नहीं दी, ये मेरे को पता है। आज भी वो नेगेटिव वीडियोज़ वही वाले हैं, अभी के लेटेस्ट वीडियो कोई नहीं दिखेंगे, सब 1.5 साल 2 साल पुराने वाले दिखेंगे। अभी जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग सर्विस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अब हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से ईजी कर सकें, जैसे मान के चलिए मार्केट की जो डिमांड है उसको पहले हम समझ रहे हैं, उसके बाद अभी हम एप्लीकेशन को मार्केट में डाल रहे हैं टेम्पलेट्स वगैरह बना के। कस्टमाइज अभी हम लोग बहुत कम ले रहे हैं, कस्टमाइज में मैं जाना भी नहीं चाहता बिकॉज कस्टमाइज एप्लीकेशन इंडिया में अगर बनवाना हो तो उतना चार्ज जल्दी नहीं पे कर पाता है कोई, अगर कोई कस्टमाइज ऐप बनाना हो ना
पूरे रिक्वायरमेंट के साथ, तो 5 लाख 10 लाख रुपीज तक कोई इन्वेस्ट नहीं करता अभी एप्लीकेशन में, क्योंकि उनके बजट नहीं रहते, उनको एप्लीकेशन चाहिए रहता है बस, और वो भी सस्ते में चाहिए होता है, क्योंकि लोगों को पता है वेबसाइट आजकल वर्डप्रेस पे बन जाती है, इन सब जो सस्ते में बन जाता है, इसलिए उनको आदत है चीप ही पेमेंट करने का, जबकि आपको शायद नहीं पता है एक एक एप्लीकेशन के पेमेंट 10-10, 20-20 लाख। मेरा एक फ्रेंड है जो कंपनी चला रहा है, 30 लाख के नीचे डील ही नहीं करता है, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो ये पूरा किस्सा था जिसकी वजह से, मतलब मेरी नेगेटिविटी चीज़ें आपने देखी होंगी, पॉजिटिविटी अगर बात करूँ, अगर पॉजिटिव चीज़ों की मैं बात करूँ, तो वो जस्ट यही है कि हम लोग फोकस करते हैं हमेशा कि हम लोग सर्विस को इम्प्रूव करें, हर टाइम सर्विस को इम्प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा हम बहुत अच्छा दे रहे हैं, हम अभी भी सीख ही रहे हैं, कोशिश हम अच्छी ही कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा सीरियस बातें होगी। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आपके एप्लीकेशन को लेकर आपकी प्लानिंग क्या है, अर्निंग की प्लानिंग्स क्या है आपकी? देखिए फिलहाल एप्लीकेशन में तो एक तो एडमोब हो गया जो कि इनकम सोर्स है, एडवर्टाइजमेंट तो हाँ वो तो सबको पता है, उसके बाद स्पॉन्सर हो गया स्पॉन्सर के जरिए, और उसके बाद आने वाले फ्यूचर में जो है पेड भी उसमें कुछ कोर्स वगैरह होगा, तो ये सब भी उसमें रहेगा जो उसके जरिए इनकम हो। इनके एप्लीकेशन को आप पहले बता दूँ, यहाँ पे इनके एप्लीकेशन में एजुकेशनल कंटेंट है, और एजुकेशनल कंटेंट में जब आप ऐड लगाते हो तो सबसे ज़्यादा सीपीसी रहता है वहाँ पे, ठीक है। प्लस एजुकेशनल कंटेंट में स्पॉन्सर्ड ऐड बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशनल कंटेंट है तो वहाँ पे आप अपने पेड कंटेंट रख सकते हो, तो ये अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल सोर्स है वहाँ। हाँ, सो आने वाले अगर 5 साल की बात करूँ मैं, 5 साल छोड़िए, मुझे तो बहुत जल्दी लग रहा है वो, बहुत साल देर बोल दिया मैंने, साल के अंदर नहीं, मैंने 5 साल बहुत ज्यादा देर बोल दिया, मुझे जल्दी लग रहा आप चीजें चेंज कर दोगे, तो वो क्या टाइम होगा और किस टाइम पे रिवील करोगे ये सारी चीजें जो आज हमारी बात है? ठीक है, अभी हम वो मेरे चैनल पे हाँ ऑब्वियसली करेंगे, जब मेरा एप्लीकेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा तो ऑब्वियसली हम आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे इनसे डायरेक्ट, और आप लोग इनसे जुड़े हुए हैं, रिवील्स वगैरह जो हम रिवील करेंगे जब सक्सेस हो जाए अच्छे से, तब अभी तो स्टार्टिंग हम लोगों ने किया है। हाँ, राइट, राइट, और अभी राइट। तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम लाजवाब चल रहा है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पेंड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जाने से पहले अजीत जी, वैसे तो आप नेक्स्ट टाइम जरूर हम बहुत जल्दी मिलेंगे, जाने से पहले अगर आप मेरे सब्सक्राइबर को एक लाइन में या कुछ ऐसा छोटा सा थॉट देना चाहो जिससे उनकी मेंटालिटी चेंज हो और वो मोटिवेट हो जाए, तो ऐसे क्या कहना चाहोगे? देखिए अभी एक जो है क्रेज चल रहा है ऑनलाइन जो भी इनकम है, और जितना टाइम आप जॉब लेने में लगाते हैं तो जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ जो है आप पार्ट टाइम ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन सोर्स में क्या है कि अगर लगातार आप एक साल कर लिए ना तो फिक्स ही है, कम से कम आपके महीने का 50,000 इनकम हो ही जाएगा एक साल अगर आप कर लेते हैं तो, और अगर आपका लक भाग आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है पहले ही डर जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, और इसमें आप ऑब्वियसली मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, अभी जैसे वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अगर एप्लीकेशन से बनवाना चाहते हैं तो इनसे आप ज़रूर बनवाइए, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि हम बनवाए हैं इनसे तो काफ़ी ज़्यादा सर्विस भी बेस्ट है, और हर चीज़ से आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एप्लीकेशन एक ज़रूर बनवाइए, और उसके बाद आप वेबसाइट बनवा लीजिए, दो चीज़ में ज़्यादा खर्च आएगा नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पता ही है कि धीरे धीरे आप काम करेंगे, मोबाइल भी है तो उससे भी आप हैंडल कर सकते हैं हर एक चीज़ को, एकदम लाजवाब चलेगा, आने वाले टाइम में आप मल्टीपल पैसा कमा सकते हैं, हर चीज़ लाइफ में हो सकता है। थैंक यू सो मच अजीत जी मेरे चैनल पे और ये सारे आपका टाइम देने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अजीत जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अगर मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।